Student, welcome back in your computer class. How are you? Fine? Okay, बेटे, बहुत दिन हो गए अब तो computer class लगे हुए है ना? चलो आज हम एक नई चीज सिखाएंगे आपको computer class में कि हम keyboard से कैसे अपना name लिख सकते हैं. Students, today I will tell you how can we write a name with the help of कीबोर्ड की हेल्प से हम अपना नेम कैसे लिख सकते हैं. कीबोर्ड के ऊपर क्या होती है बेटे, अल्फाबेटिक कीज होती हैं जिसकी हेल्प से हम अपना नेम लिख सकते हैं. ओके, ये देखो बेटे, दिस इज कीबोर्ड. क्या है ये? कीबोर्ड है ना. इट इज यूज टू राइट ऑन अ कंप्यूटर. हम अगर कंप्यूटर पे कुछ लिखना चाहते हैं तो इसकी हेल्प से लिखते हैं. The buttons on the keyboard are called keys. इनको क्या बोलते हैं? Keys बोलते हैं buttons को. Today I am telling you about the alphabet keys. Alphabet keys कौन सी होती हैं बेटे? इसमें A to Z. जो alphabet keys होती हैं, वो उसकी help से आप अपना name लिख सकते हो computer पे. और ये counting में कितनी होती हैं? 26. Okay बेटे? अब इसके बारे में मैम ने आपको एक एग्जांपल दिया है, एक प्रेजेंटेशन दिखाई है, अभी आप उसको देखेंगे. Yes students, now I will tell you how can we write our name with the help of keyboard. First of all, देखो बेटा ये क्या है? अल्फाबेट कीज, A to Z. ये कितनी होती है बेटे काउंटिंग में? 26 होती हैं. अब आपका जो भी नेम है उस कीज को आप एक एक करके प्रेस करेंगे तो आप देखना कि आपने जिस जिस की को प्रेस किया है वो मॉनिटर पर आ जाती है. और इस तरह से आप अपना नेम राइट कर सकते हो कंप्यूटर पर विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. अब मैम आपको एक वर्ड है रेनबो, उसकी कीज को प्रेस करके बताएंगे कि कीज को कैसे प्रेस करना है. ओके, तो देखो बच्चे, सबसे पहले मैम ने किया आर, ए, आई, एन, बी, ओ, डब्ल्यू. तो ये क्या वर्ड बन गया? रेनबो. ओके स्टूडेंट, इसी तरह आप अपने नेम की कीज को प्रेस कर सकते हो और अपना नेम लिख सकते हो कंप्यूटर पर. यस स्टूडेंट्स, अब मैम आपको बताएंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में. आपको पहले भी बताया था ना बेटा, आपको याद है? रिमेम्बर? ओके, चलो अब हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. यस बेटे, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनिटर की. ये क्या है? मॉनिटर. जब कुछ भी आप कीबोर्ड की हेल्प से लिखते हो तो वो कहाँ पे आ जाते हैं? मॉनिटर पे आ जाते हैं. ओके बेटा. यस बच्चे, दिस इज ए माउस. ए माउस हैज टू बटन्स एंड ए स्क्रोल व्हील. इट इज यूज टू ड्रॉ, पेंट, सिलेक्ट एंड ओपन फाइल्स ऑन द मॉनिटर. दिस इज सीपीयू. सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तो ये क्या है बेटे? इट्स ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, हम अपने ब्रेन से ही हर बात को समझते हैं, बिल्कुल उसी तरह कंप्यूटर जब वर्क करते हैं तो वो सीपीयू की हेल्प से हर वर्क करते हैं. तो इसलिए इट्स ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. दिस इज कीबोर्ड. ये क्या है बेटे? कीबोर्ड. यहाँ पे डिफरेंट टाइप की कीज होती हैं और हर की अपना वर्क अलग तरह से करती है. यस बेटा, ये देखो, ये क्या है? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. ये आपका एक्सरसाइज पार्ट है. आपने क्या करना है, यहाँ से देख करके पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के स्पेलिंग लर्न करने हैं.
ओके बच्चे, यस बच्चे, आज का जो हमारा चैप्टर था वो क्या था, प्रैक्टिकल था हमारा कि हम कीबोर्ड को कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे कीबोर्ड की हेल्प से अपना नेम लिख सकते हैं। ओके ओके बेटा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे एट होम, थैंक यू।